गाइस रवीश हियर। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें साफ कर देना चाहता हूँ दैट ये वीडियो जो है वो उन लोगों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है जो ये ढूंढ रहे हैं कि उन्हें डेवॉप्स इंजीनियर कैसे बनना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इस बात पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि डेवॉप्स इंजीनियर बनने के लिए स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कन्फ्यूज हैं अभी और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट करें और रोड मैप क्या होना चाहिए हमारा। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इस वीडियो में अभी फिलहाल ये नहीं बताया जाएगा कि डेवॉप्स इंजीनियर कैसे बने, बस ये बताया जाएगा कि स्टार्ट कहाँ से करें। डेवॉप्स इंजीनियर कैसे बने उसके लिए फुल फ्लेज्ड वीडियो आज कुछ वीडियोस में आएगा, कुछ वीक्स में आएगा, बट ये अभी वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइज ये चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डेवॉप्स में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कंपनीज क्या फॉलो करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा पाएंगे कि आप स्टार्ट कहाँ से करें ताकि आप ऑलमोस्ट जॉब रेडी हो। यानी अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो एटलीस्ट आपके पास टूल्स का नॉलेज होगा कि ये टूल्स लेके तो मैं जाऊँगा और वहाँ पर मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिलेगा। वैसे भी हम अपने इस चैनल पर एक टाइम के बाद कोर्स कवर करेंगे जिसमें हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं, तो अभी हम सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस समझाता हूँ। ओके, तो किसी भी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको क्या देगा, लेट मी सेलेक्ट अ ब्रश ओवर हियर। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारी प्लान एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ कोलैबोरेट ही लिख देता हूँ, कोलैबोरेट। ओके, तो ये हमारी होती है सबसे पहली चीज़। तो प्लान एंड कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि सारे जो डेवलपर्स होते हैं, सारे जो मतलब डेवलपर डेवलपमेंट में जो लीड्स होते हैं और जो आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं और उनके ऊपर जो मैनेजर्स होते हैं, ये सब प्लान करते हैं चीज़ें कि कोई सी भी चीज़ कैसे हो रही है, कोई भी प्रोजेक्ट आगे चलता है और उसमें सब इंक्लूडेड होता है, आपके डेवलपर्स, आपके टेस्टर्स एंड एवरीवन इज़ इंक्लूडेड इन दिस। तो इंक्लूडेड होता है इसमें। तो प्लान एंड कोलैबोरेट में वो क्या करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और टूल्स के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका बिल्ड स्टेप। ठीक है, तो बिल्ड स्टेप में क्या होता है कि मान लीजिए एक बार आपके डेवलपर ने जो है प्लान के अकॉर्डिंग कोड लिख दिया। ठीक है, और ये सब कुछ जो है मैं आपको एक डेवॉप्स के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज मत हो गया कि यार डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, हमारा काम एज अ डेवॉप्स क्या होता है, बिल्ड करना। तो सेकेंड स्टेप हमारा बिल्ड हो जाता है। उसके बाद कंपनीज में क्या होता है कि थर्ड स्टेप पर अगर आ जाएंगे तो थर्ड स्टेप पर आपको टेस्ट करने को मिलेगा। तो आपको उसे टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट करने के लिए कई सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, टेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद आता है आपका डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो आप डिप्लॉय करते हैं, मैं यहाँ पर डिप्लॉयमेंट लिख लेता हूँ, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही होगी अभी। डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट में कई सारे टूल्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके डिप्लॉयमेंट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मेथडोलॉजीज होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पर हो गया आपका डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट। और डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट जब हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मॉनिटरिंग लिख लेता हूँ। तो ये जो है ये मोर और लेस इसमें एक दो स्टेप ऐड हो सकते हैं किसी भी कंपनीज में या फिर टूल्स ऐड हो सकते हैं, पर ये पांच चीज़ें जो होती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और मोर और लेस ये चीज़ें ज़रूर होंगी किसी भी प्रोसेस में। तो डेवॉप्स इंजीनियर जब आप बनते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो सेव मैंने कर लिया, अब हम क्या करते हैं, मैं एक नया फाइल खोल लेता हूँ, लेट मी ओपन अ न्यू फाइल, न्यू, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, अभी मेरा नया आ गया। तो नए में जो प्लान एंड कोलैबोरेट वाला पार्ट है, ठीक है, प्लान एंड कोलैबोरेट वाला पार्ट है, उसको हम फिलहाल नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, एज अ डेवॉप्स इंजीनियर का नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उसमें चीज़ें देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसके बारे में, पर फिलहाल हमारा काम ये नहीं है। मैं और अगर आप एज अ डेवॉप्स इंजीनियर स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो प्लान एंड कोलैबोरेशन के बारे में अभी फिलहाल बात नहीं कीजिए। तो मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल। हम सबसे पहले बात करेंगे अपने बिल्ड की। ठीक है, बिल्ड की बात करेंगे। तो बिल्ड में तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि टेक्नोलॉजी जो है डेवलपर्स ने कौन सी यूज़ की है। ठीक है, ये एच है, टेक्नोलॉजी जो है या फिर जो भी इसका टेक स्टैक है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है। तो टेक स्टैक में क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट हो सकता है वो किसी भी चीज़ पर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोजेक्ट जो है वो जावा में बना है। ठीक है,
तो जावा का जब आप कोई भी आर्टिफैक्ट बनाएंगे अपनी बिल्ड के बाद, तो क्या क्या बनता जा सकता है, क्या बनेगी? जावा जावा आर्काइव फाइल विच इज़ जार, एक आपकी वॉर फाइल बन जाएगी जिसे वेब आर्काइव कहते हैं, और फिर आपकी क्या होती है, एक ईयर फाइल बनती है जिसमें ये दोनों होते हैं, इसे एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्काइव कहते हैं, ठीक है। तो ये फाइल बनती है, उसके बाद क्या होता है कि आपके, अगर मान लीजिए आपका .NET में कोड लिखा है या फिर आपका C# में कोड लिखा है, तो इसमें क्या बनती है, आपकी .dll फाइल्स बनती हैं। dll फाइल का मतलब होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी लाइब्रेरी, ठीक है, ये फाइल्स होती है। तो ये फाइल्स बनती हैं आपकी और यही चीज़ें आगे डिप्लॉय होती हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ भी आगे बढ़ना है इसमें, तो आपको इस स्टेप पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बिल्ड पे, ठीक है। तो बिल्ड पे आप क्या करेंगे, तो आपको ये देखना है कि टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप। तो स्टार्टिंग के पॉइंट पर अगर आप जावा पकड़ लीजिए, क्योंकि जावा की बहुत एप्लीकेशन है मार्केट में, तो आपको बिल्ड कैसे करना है, तो बिल्ड करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स आते हैं। लेकिन उससे पहले मान लीजिए जो भी कोड लिखा हुआ है, वो कोड कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो कोड पड़ा होगा किसी SCM पर। SCM का मतलब होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट, और सोर्स कोड मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो कोड है वो आपने कहीं पर रखा हुआ है। पुराने ज़माने में काफ़ी पहले SVN यूज़ करते थे, जैसे सबवर्जन कहते थे, फिर अब तो मोस्टली गिट ही चल रहा है, तो गिट जो है वो चल रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, गिट पता होना चाहिए, आपको गिट समझ में आना चाहिए कि गिट से क्लोन कैसे करते हैं, गिट में बहुत बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गई आपकी गिट, आपको गिट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गिट पता होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, जैसे आपका एक बिट बकेट है, ठीक है। बिट बकेट जो है वो अटलासियन वालों का है, फिर आपका हो गया गिट लैब हो गया, ठीक है, गिट लैब हो गया। इनका अपना CI/CD भी है, पर हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपका गिट लैब के बाद आता है GitHub, वन ऑफ दी मोस्ट फेमस वंस। तो जनरली क्या होता है, मोस्ट कंपनियां जो होती हैं अपना कोड जो है वो GitHub में ही रखती हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहली चीज़ सीखी वो क्या है, कि सबसे पहले आपको अपने ट्रैक में गिट और GitHub पता होना चाहिए। इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे लगाना है वो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है, इसका फ़िलहाल कोई रोल नहीं है। Ctrl+A को मैं डिलीट कर सकता हूँ, आई गेस Ctrl+A डिलीट, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ सीखी कि आपको आपको क्या पता होना चाहिए, गिट पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन गिट में क्या है, जो डेवलपर है वो कोड रखेगा, लेकिन आप जो ऑटोमेशन करेंगे, आप ऑटोमेशन किस चीज़ से करेंगे, आप ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग से करेंगे, ठीक है। इट्स वेरी गुड इफ़ यू नो ऑलरेडी नो अ लैंग्वेज, आपने अपने कॉलेज में या स्कूल में कोई लैंग्वेज पढ़ी है, कि जावा पढ़ी है, अपने पाइथन पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ स्क्रिप्टिंग पता होनी चाहिए। हमारे पास जनरली क्या होता है कि विंडोज़ के एनवायरनमेंट होते हैं, लिनक्स के एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है, और जैसे यूनिक्स हो गया आपका, तो बेसिकली इन दोनों को एक ही मान लीजिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्या है कि वर्ल्ड में 90% जो सर्वर्स हैं जिनमें आपका कोड चलता है, जिनमें आपका कोड डिप्लॉय होता है, वो लिनक्स है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। विंडोज़ भी हैं 10% मान लीजिए, या 10 से थोड़ा लेस देन 10% कह सकते हैं, लेस देन 10% जो है वो विंडोज़ है। तो विंडोज़ में कौन सी स्क्रिप्टिंग चलती है, देखिए पाइथन जो है वो दोनों में चल जाती है, लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि इस वीडियो का मोटिव भी है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट कीजिए विंडोज़ में अपना, सॉरी, बैच स्क्रिप्टिंग से, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, मतलब अगर आपने ये कर लिया फिर तो आपका बेस बन जाएगा, फिर आप और स्क्रिप्टिंग भी सीख सकते हैं, आप स्टार्ट पाइथन से भी कर सकते हैं, आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, बट बिल्कुल बेस, अगर आपको कुछ नहीं पता तो बैच से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है, कंपनीज में बैच जनरली कोई पूछता नहीं है, क्योंकि बैच ये मान के चलते हैं कि आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो ये वाली चीज़ है। उससे थोड़ा ऊपर आपकी पावर शेल आपकी बहुत अच्छे से काम करती है विंडोज़ के एनवायरनमेंट पे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं पहले कहूँगा कि बैच सीखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट जो है मेरा वो है स्क्रिप्टिंग, ठीक है, सेकेंड पॉइंट मेरा स्क्रिप्ट का हो गया। उसके बाद स्क्रिप्टिंग में ही, लेकिन आपके सर्वर्स जो होंगे वो किस में होंगे, लिनक्स या यूनिक्स में होंगे, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, शेल स्क्रिप्टिंग,
ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग, या फिर इसे बैश भी बोल देते हैं, बैश प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहला बेस जो आपको तैयार करना पड़ेगा वो क्या है, आपको आनी चाहिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और उसको आप स्टोर कहाँ करेंगे, गिट पे। तो ये दोनों चीज़ें इज अ मस्ट हैव, मतलब ये इतना बेसिक है कि अगर आपको ये नहीं आता तो मान के चलिए कि मैं नहीं जानता कि आपको कोई जॉब ऑफर जब करेगा तो आपसे गिट के ऊपर सवाल पूछ सकता है, गिटहब के ऊपर सवाल पूछ सकता है, स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम लिखवा सकता है, छोटी सी स्क्रिप्ट लिखवा सकता है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा एक ऑलरेडी चैनल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे ये दोनों चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो गिट का एक क्रैश कोर्स है, ये आप कर सकते हैं, विद इन अ वीक ख़त्म हो जाएगा ये, इसके पर सब कुछ आराम से समझाया गया, ये इंग्लिश वाला है, और अगर आप इसके और चैनल्स में जाएंगे तो यहाँ पर एक हिंदी वाला भी है, तो आप हिंदी वाले से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं प्लेलिस्ट पे वापस जाता हूँ। उसके बाद ये मेरा बैच स्क्रिप्टिंग का ट्यूटोरियल है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप स्टार्ट यहाँ से कीजिए, बैच स्क्रिप्टिंग का ट्यूटोरियल लीजिए, उसके बाद गेट क्रैश कोर्स जो है वो करिए। तो ये दोनों चीज़ हो गई आपकी कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए डिलीट। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम आते हैं अपने बिल्ड वाले पार्ट पे जो हमने देखा था। तो अब अगर हम यहाँ पे, देखिए पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बिल्ड के लिए आपको ना कुछ टूल्स पता होने चाहिए। तो SCM वाले पार्ट में तो आपने क्या देख सीख लिया, गिट सीख लिया, ठीक है, और गिटहब ले लिया, बहुत सारे होते हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने ये ले लिया। उसके बाद जो आपका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट आता है उसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ फ्री हैं, जैसे कि आपका टीम सिटी जो है वो फ्री है। ठीक है, आई थिंक मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, टीम सिटी, मी फिक्स दिस, टीम सिटी हो गया, टीम सिटी है, और जेंकिंस। ठीक है, जेंकिंस बहुत इजीली अवेलेबल है, सब जगह मिलता है, तो टीम सिटी अगर आप नहीं भी जानते कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कीजिए जेंकिंस से। तो आपका जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी वाला डिलीवरी पार्ट होगा वो आप जेंकिंस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जेंकिंस बहुत ईजी है सीखने में, और फिर आप क्या करने लगेंगे, चीज़ों को कोलैबोरेट करने लगेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जेंकिंस के पूरे एक ट्यूटोरियल है, एकदम मास्टर क्लास है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, पाइपलाइंस बनाने सिखाई जाएंगी, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, उसका पूरा कोड जो है वो गिटहब पे अवेलेबल है। तो अगर आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, मतलब आप मेरे किसी भी एक वीडियो को खोलेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपका जो बिल्ड वाला पार्ट है उसमें जेंकिंस आपको मिल गया। ठीक है, तो जेंकिंस वाली चीज़ देख लीजिएगा, और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब इस्तेमाल तो आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ बताया कि आप स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट आप ऐसे ही करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका बिल्ड वाले पार्ट में जो होता है कि मतलब अगर आप जैसे जावा का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अगर जावा का कोड लिखा है तो उसमें किसके थ्रू रन कराऊंगा, एंड जो है बहुत पुराना हो चुका है, इसे एनी न्यू टूल बोलते हैं, आजकल बहुत फेमस है मेवन, आपने नाम भी सुना होगा, मेवन के थ्रू आप रन कराते हैं। मेवन का आप यूट्यूब पे अगर चाहें तो कोई भी कोर्स सर्च कर सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं फिलहाल कि आप पूरा सीखें, बट आप इसकी कुछ बेसिक कमांड्स याद कर सकते हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को जिसका पैकेजिंग करेंगे बेसिकली। तो आपकी अगर आपको जार या वॉर या फिर एयर फाइल बनानी है तो आप मेवन के थ्रू बना सकते हैं, वो मैंने उसमें ही कवर किया है, बहुत ही बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसे पूरे को डिलीट कर देता हूँ, दो तीन चीज़ें हमने सीख ली। उसके बाद जो मैंने बताया था किसी भी कंपनी में जो यूज़ होता है, कंपनी में जो यूज़ होता है टेस्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो टेस्टिंग में क्या होता है, मैं सिर्फ टेढ़ा कर लेता हूँ आप लोगों को शायद बेटर दिखे। टेस्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं। अगर आपका जावा बेस्ड एक वेब एप्लीकेशन है, मतलब ब्राउज़र पे चलती है, तो आप जनरली सेलेनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे टेस्ट बहुत तरीके के होते हैं, सेलेनियम बहुत फेमस है। ठीक है, आपका सी शार्प में कोड लिखा है, अगर सी शार्प में या .NET में कोड लिखा है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप NUnit का इस्तेमाल कर लेते हैं, NUnit का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर आई थिंक आपके आई गेस इसमें XUnit भी होता है, और आपका इसमें कर्मा टेस्ट होते हैं, और सेलेनियम के अलावा जावा में जे यूनिट टेस्ट भी होता है। ये यूनिट टेस्टिंग के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये आपको
इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टेस्टिंग हमें ज़रूरी नहीं है किया है, मतलब एक डेवॉप्स इंजीनियर का जॉब नहीं है कि उसे टेस्टिंग है। आपको ये पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप एक टेस्टर से डेवॉप्स में आना चाह रहे हैं, अगर आप एक सेलेनियम में टेस्ट केसेस लिखते थे और आप डेवॉप्स में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप एक डेवलपर हैं जो ऑलरेडी जे यूनिट के टेस्ट केसेस लिखते थे तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ज़रूरी नहीं है आपको है, लेकिन आपको रीड करना आना चाहिए, और 100% जिस चीज़ की ज़रूरत होती है डेवॉप्स को वो होती है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना किसी भी तरीके के टेस्ट को किसी भी तरीके के CI टूल से। अगर आप जेंकिंस यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इन टेस्ट का इंटीग्रेशन कैसे होता है। अगर आप टीम सिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ डेवॉप्स इंजीनियर यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दी स्टफ इन योर पाइपलाइन। ज़रूरी नहीं है आपको टेस्ट केसेस आए, इफ दिस इज नॉट नेसेसरी, बट अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता देन यू आर लैकिंग ओवर समवेयर, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टेस्ट वाला पार्ट जो कि कवर हो गया, तो इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। मैंने अपने जो जेंकिंस का कोर्स है उसमें चीज़ें सिखाई हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, हम चलते हैं। मैं ब्रश ले लेता हूँ, और हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, और उस चीज़ का नाम है डिप्लॉयमेंट। देखो, जो भी कंपनी है उसमें कभी भी सॉफ्टवेयर की डिलीवरी होती है, डेव सर्वर पे, स्टेट सर्वर पे, या फिर UAT या प्रोडक्शन सर्वर पे, मोस्टली जो काम होता है लाइक 99% ऑफ द वर्क हमारा ही होता है, हमारा मतलब डेवऑप्स इंजीनियर का ही काम होता है, वही करता है डिप्लॉयमेंट। और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम ही लिखते हैं, हम ही बनाते हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट के लिए जनरली कुछ टूल्स आते हैं, जैसे आपके ऑक्टोपस डिप्लॉय हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस डिप्लॉय हो गया। ऑक्टोपस डिप्लॉय कुछ एंड तक फ्री है, तो इसका मैंने अभी कोर्स बनाया नहीं है, लेकिन हाँ मैं बनाऊंगा, मतलब रोड मैप में है मेरे, मतलब आई गेस मार्च या अप्रैल तक मैं इस पर भी काम करूंगा। मेरे दिमाग में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं उन पर काम करूंगा। ऑल्सो प्रॉब्लम ये है कि मेरा फुल टाइम जॉब है, और ये मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, जो फुल टाइम जॉब है मैं वो भी करता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो मैं शायद रात को बना रहा हूँ, काफ़ी रात को बना रहा हूँ। ओके, तो अभी क्या है, ऑक्टोपस डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट हो गया, आप उससे कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा क्लाउड की तरफ चले जाएँ, और मतलब ये बस जानकारी के लिए, आपको एज ए स्टार्टर ये सब नहीं आना चाहिए, क्लाउड की तरफ चले जाएँ तो उसमें आपकी एज्योर पाइपलाइंस होती हैं। एज्योर जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, एज्योर की पाइपलाइंस होती हैं, पाइपलाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और आपकी AWS में अगर चले जाएंगे तो आपका AWS की भी पाइपलाइन होती है, इसमें कोड डिप्लॉय करके एक चीज़ होती है, कोड डिप्लॉय। ठीक है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए। तो कई लोग ऑक्टोपस डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई थिंक गिट लैब जो होता है उसका भी खुद का CI/CD होता है, इसका भी खुद का CI/CD होता है। ठीक है, मैं इस पर भी एक पॉइंट के बाद सोचूंगा कोर्स बनाने के लिए। तो या तो आप Azure DevOps का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर AWS का कर सकते हैं, GitLab का कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन सब में से कुछ नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही टाइम तक फ्री है, उसके बाद जो एजेंट्स होते हैं इसमें पेड होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अपना जो डिप्लॉयमेंट है ना वो डिप्लॉयमेंट करिए अपना जेंकिंस के थ्रू। ठीक है, जेंकिंस यूज़ कीजिए, और जेंकिंस आपका वो वाला डिप्लॉयमेंट वाला काम भी कर देगा। बस फ़र्क इतना है कि जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे तो आपको उसके लिए लिखनी पड़ेंगी स्क्रिप्ट्स। और जैसे कि मैंने सब पहले, मतलब 5-10 मिनट पहले बताया था, पहली चीज़ कि स्क्रिप्टिंग जो है वो आपको आनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने अपनी स्क्रीन पे दिखाया था आपको कि ऑलरेडी बैच स्क्रिप्टिंग कवर कर चुका हूँ विंडोज़ के लिए, लेकिन मैं शेल स्क्रिप्टिंग पे अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ। ये वीडियो बस मैंने थोड़े अंतराल के लिए बना दिया है, आज 3rd of January है, मैं कोशिश करूँगा जनवरी के मंथ से, मतलब लाइक 15th और 20th तक शेल स्क्रिप्टिंग खत्म हो जाए, ताकि आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग लिखनी आ जाए, और आप डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं वो सब आपको बेसिकली पता हो कि कैसे काम हो रहा है। तो बैच स्क्रिप्टिंग और शेल स्क्रिप्टिंग आपको आनी ही आनी चाहिए एज ए स्टार्टर, बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अब कंट्रोल ए कंट्रोल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस इस पे आते हैं, मैं ब्रश लेता हूँ। ठीक है, अब आता है आपका पार्ट मॉनिटरिंग का। ठीक है, मॉनिटरिंग वाला जो पार्ट है वो आता है। तो मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका ELK एक स्टैश होता है, जिसमें ई से होता है इलास्टिक स्टैश, आई थिंक इलास्टिक सर्च होता है, इलास्टिक सर्च, L से आपका लॉग स्टैश होता है,
और के से होता है आपका किबाना, ठीक है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, किबाना का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक मैंने आई मर्डर्ड द स्पेलिंग, किबाना कहते हैं इसे, सॉरी अबाउट दैट, ये थोड़ा पेन ऐसे ही है। ओके, किबाना का इस्तेमाल कर सकते हैं आप और इसके थ्रू चीज़ें काम कर सकती हैं, ठीक है। आपका ग्रफाना होता है एक, और ग्रफाना के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर यूआई देता है ये आपको, और ये एक पॉइंट तक फ्री है, मतलब मैंने तभी इस्तेमाल किया, फ्री ही इस्तेमाल किया। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जब आप इंस्टॉल करेंगे इससे, तो आपके पाई चार्ट्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मैंने पाई चार्ट्स वाली चीज़ें देखी हैं। इसमें आपके बताया कितने टेस्ट पास्ड हैं, कितने टेस्ट फेल हैं, तो ये भी किसका पार्ट है, इंटीग्रेशन का पार्ट। और मैंने बताया था कि आपको एज अ डेवॉप्स इंटीग्रेट करनी आनी ही चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आता है आपका मॉनिटरिंग। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक कोर्स बनाऊंगा जिसमें मैं प्रोमेथियस का इस्तेमाल करूंगा। प्रोमेथियस भी एक बहुत प्यारा टूल है, लेकिन प्रोमेथियस को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए लिनक्स कैसे काम करती है, ये मस्ट हैव है, ठीक है। तो अगर आपको 2022 या उससे आगे एक डेवॉप्स इंजीनियर बनना है, तो कुछ चीज़ें 100% आपको चाहिए जिसमें आपको लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको लिनक्स के बाद आपको शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि उसमें लिनक्स में शेल स्क्रिप्टिंग चली। वैसे आप पाइथन भी चला सकते हैं, बट हम बहुत ही बेसिक चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम वेयर डू यू शुड स्टार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि डेवॉप्स इंजीनियर को मोस्टली सारी ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड ऑफ होती हैं, पर वो एक आध चीज़ का बहुत बड़ा मास्टर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक पार्ट होता है इसमें DB, ठीक है। DB कई तरीके का हो सकता है आपका, SQL हो सकता है या NoSQL हो सकता है, कोई सा भी एक DB हो सकता है। इसका आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए एज ए स्टार्टअप, बेसिक नॉलेज एज ए स्टार्टअप होना चाहिए। आप YouTube पे सर्च करेंगे अगर, तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे SQL के, तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको DML पता होना चाहिए, DDL होता है शायद एक, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, मॉडिफिकेशन लैंग्वेज होती है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे क्रिएट होता है, क्रिएट करना, अपडेट करना और रिट्रीव करना, ठीक है। रिट्रीव करना, ये तीन चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ग्रफाना का इस्तेमाल कर रहे होते हो, जब यहाँ पे आप ग्रफाना का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके अंदर पाई चार्ट्स बना रहे हो ना, तो ये पाई चार्ट्स जो होते हैं, ये वैल्यू जो होती है इनकी, डेटा की वैल्यू ये लेके आता है डेटाबेस से, और वो इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए। एज अ डेवॉप्स इंजीनियर आपको ये चीज़ें करनी आनी चाहिए, तो एज अ स्टार्टर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो यहाँ तक ठीक है फॉर स्टार्टर्स, ये सब स्टार्टर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ यही आना चाहिए, इसके पास अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैंने बेसिक आपको पांच स्टेप बताए थे, जिसमें मैंने आपको डिप्लॉयमेंट बताया था कि प्लान एंड कोलैबोरेट बताया था, और भी बहुत सारे पार्ट ये होंगे, से ज़्यादा भी होंगे, तो एज ए वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़रा इसे फिर से कवर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो पहली चीज़ जो हमने सबसे लिखी, सबसे पहले आपको स्क्रिप्टिंग पता होनी चाहिए, अपना करियर यहीं से स्टार्ट करें एज ए डेवॉप्स इंजीनियर, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करूँगा, मैं ये नहीं बता रहा आपको डेवॉप्स इंजीनियर कैसे बनना है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग में सबसे पहली हो गई आपकी विंडोज़ के लिए बैच स्क्रिप्टिंग, बहुत बेसिक है ये, तो मतलब 100% आनी ही आनी चाहिए, चाहे आपका यूज़ हो रहा ना हो रहा हो, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद ये तो मस्ट हैव है, शेल स्क्रिप्टिंग तो आपकी मस्ट हैव है, ठीक है। दूसरा जो हो गया, आपको इन्हें स्टोर कहाँ करेंगे, आप इन्हें स्टोर करेंगे किसी भी गिटहब में। गिटहब जो है वो ऑनलाइन होस्टेड है, गिटहब का एक एप्लीकेशन है, एक प्रोटोकॉल है, और उस पर सब बना हुआ है, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, एज़्योर डेवॉप्स, कोड कमिट, ये सब बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मस्ट हैव, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिनक्स। देखिए मोस्टली लोग होते हैं अपने कॉलेजेस में विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें विंडोज़ जो है वो ऑलमोस्ट आता ही है, लेकिन लिनक्स आपको पता होना चाहिए, मस्ट हैव। मैं इसे रेड कर देता हूँ, नहीं रेड नहीं, अभी बाद में करेंगे इसके बारे में बात। लिनक्स जो है इसमें आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें जो है फ्री हैं, CentOS। मैंने जो अपना कोर्स बनाया है शेल स्क्रिप्टिंग का, उसमें मैंने बताया कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक लैपटॉप है, तो आप फ्री में सब कुछ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ फ्री में कैसे चला सकते हैं, एक विंडोज़ की मशीन पे और एकल वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करके कैसे चीज़ें कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ मैंने बताई हुई है। लिनक्स हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको CI/CD के लिए अपना जेंकिंस पता होना चाहिए, ये तो भैया मस्ट हैव है, 100% तो उसे करके रखना चाहिए, ये भी आपका वो है, तो मैं इसे बाद में करूँगा।
ठीक है, इसमें आपको पाइपलाइंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, और मेरे पास ऑलरेडी एक कोर्स है जो कि मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर है। पाइपलाइंस वाला कोर्स हो गया, और पांचवा हो गया आपका डेटाबेस। इसमें आपको बेसिक कमांड्स पता होने चाहिए, मतलब क्रिएट, जो आपकी टेबल होती है क्रिएट, अपडेट, अपडेट होता है आपका आई गेस उसमें, ड्रॉप होता है क्रिएट अपडेट ड्रॉप, ये सब एसेट्रा, ये सब बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि आपको उसके लिए कमांड लिखनी पड़ सकती हैं। ठीक है, और सिक्स्थ उसमें, आई मैं टेढ़ा क्यों जा रहा हूँ उसमें, ठीक है, सिक्स्थ हो गया आपका इसमें मॉनिटरिंग वाला पार्ट। ठीक है, मॉनिटरिंग वाला पार्ट जिसमें आप ग्रफाना भी लिख सकते हैं, प्रोमेथियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर ये ओवर द टाइम जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा मत कीजिए कि पहले ये पकड़ ले ये पकड़ ले, स्टार्ट यहीं से कीजिए जैसे मैंने लिखा है 1 2 3, ऐसा ही स्टार्ट कीजिए। जब ये हो जाए उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे डालूंगा ऑनरेबल मेंशंस। तो अभी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लेट मी सेलेक्ट दिस। तो यहाँ पे ऑनरेबल मेंशन, दो तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, एक चीज होती है सैस्ट और एक चीज होती है डैस्ट। ठीक है, सैस्ट और डैस्ट को करेंगे तो आप होती है आपकी एक सिस्टम, सॉरी स्टैटिक टेस्टिंग होती है आपकी, एक डायनामिक टेस्टिंग होती है। फुल फॉर्म आप खुद गूगल कीजिए, कुछ गूगल पर डालेंगे आपको पता लग जाएगा सैस्ट और डैस्ट में क्या फ़र्क है। हमारे दो तीन बहुत सारे टूल्स हैं वैसे तो मार्केट में, लेकिन सोनार क्यूब करके एक है जो बहुत फेमस है। ठीक है, ये फ्री है अप टू सम पॉइंट, मतलब आपका काम हो जाएगा फ्री इतना है। ठीक है, और ये आई थिंक ओवर द कोर्स ऑफ 35+ लैंग्वेजेस को कवर करता है, 35+ लैंग्वेजेस के इसमें वो डालता है, जो भी इसमें कोड वल्नरेबिलिटीज आपका टेक डेट होता है जो वो डालता है, और आपको एक होता है चेक मार्क्स। ठीक है, चेक मार्क्स ये पेड है, तो अगर आपको ये नहीं भी मिलता है दिस इज फाइन। आपको अगर ये भी है, ये डैस्ट में मोस्टली यूज कर लेते हैं लोग, ये सैस्ट में कर लेते हैं यूज, तो ये ऑनरेबल मेंशन है। सोनार क्यूब आपको पता ही पता होना चाहिए कि सोनार क्यूब इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है। मतलब अगर आप, मैं वही बता रहा हूँ कि सब कुछ ऑलरेडी है, आपको बस देखने की ज़रूरत है। अगर मैं जेंकिंस का ऑटोमेशन कोर्स खोलूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने इसे अभी वो कर दिया, यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है कि देखिए, मैंने समझाया हुआ है गिटहब से कैसे करते हैं जेंकिंस का ऑटोमेशन, जे फ्रॉग आर्ट या आर्ट फैक्ट्री कैसे इस्तेमाल होती है, मेवन कंटिग्रेशन कैसे करते हैं वो बताया हुआ है, और सोनार क्यूब को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे करते हैं, और मैंने प्रॉपरली इसमें चला के दिखाया हुआ है कि कैसे करते हैं। लेट मी शो यू, देखिए यहाँ पे कि सोनार क्यूब डाउनलोड कैसे होगा, मैंने उसके बारे में भी सब कुछ अपने इस कोर्स में बताया हुआ है 14th नंबर के वीडियो में। ठीक है, ये एक ऑनरेबल मेंशन है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस। ये बहुत ही वेरी बहुत ही बेसिक आइडिया है कि मतलब आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए एज ए डेवॉप्स इंजीनियर। ये चीज़ें सीख लेंगे आप तो इसके बाद बहुत सारे लेवल्स हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। डेवॉप्स क्या है, एक बहुत बड़ा फील्ड है और इस पर आप चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब कीप हसलिंग कीप लर्निंग वाली बात है कि सीखिए समझिए, बहुत सारे टूल्स हैं, हर कंपनी का एक टेक स्टैक होता है, हर कंपनी का एक अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है। आप जिन पे काम करेंगे सर्वर्स वो आपके क्लाउड पे हो सकते हैं, आपके प्राइवेट नेटवर्क पे हो सकते हैं, आपके आपके सिस्टम में हो सकते हैं। और हाँ, मतलब ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि क्लाउड नहीं है तो डेवॉप्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो कवर किया हुआ है, इसमें मैं फिर से दिखा देता हूँ जो कि मैंने कवर किया था, लेट्स टॉक डेवॉप्स मैंने करके एक वो बनाई हुई है। तो इसमें ही मैंने कुछ, हाँ, 7 मिथ्स जो है जो डेवॉप्स के इंटरव्यू में, इसमें 7 मिथ्स जो हैं वो कवर किए गए हैं कि मतलब क्या क्या पॉसिबल है क्या क्या नहीं है। तो इसमें ये भी है कि कई लोग जो समझते हैं, मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं देखी हुई हैं, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मैं और भी चीज़ें, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं नीचे, मैं सारी चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा और बहुत बहुत सी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूँगा। ये चैनल मैंने अब आप भाई बहनों के लिए ही कुछ 10 महीने पहले बनाया है और मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास पूरा रोड मैप है 2 साल का और मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू कॉमेंट बिलो और हम उससे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।